इरफान भाई। हाय खदीजा, मिली मुझे यहाँ पे। और वो अरुषा खास मुझे लेकर आई वाला गेम खेलने के लिए। अभी लेकिन हम सारे इकट्ठे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई अभी हम लोग आए हैं नाश्ता के रूम में और वो अरुषा तो बहुत मजा आया, हमने बहुत बातें की बहुत ज्यादा। और वकास को मैं अकेला छोड़ के यहाँ बैठी हुई। तो हम लोग रेडी हो गए हैं दराज इवेंट के लिए। हम जा रहे हैं बाहर गाड़ी में। वकास देखे ना, इस सब जाए सब जाए। मैं तब तक कितनी अच्छी लग रही हूँ। वकास दिखाएं भैया पूल के पास एक तस्वीर बना लेते हैं इस ड्रेस में, है ना। दराज की तरफ से हमें गाड़ी और ड्राइवर मिला हुआ है, जहाँ पे भी जाना होता है इन्हीं के साथ जाते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सपो सेंटर कराची और वहाँ जाके दिखाऊंगी क्या हो रहा है इवेंट, क्या तैयारियाँ वगैरह हैं, क्या किया हुआ है दराज ने। सो मेरा ना वैसे इवेंट का ड्रेस ये नहीं था, जो इवेंट का ड्रेस था वो मेरा आ नहीं सका क्योंकि कराची में हर जगह पर रेगुलर वाले तो सारे रोड्स वगैरह ब्लॉक है जहाँ से मेरा ड्रेस आना था, और मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनका नंबर नहीं लग रहा, उस एरिया में सिग्नल बंद है एक्चुअली में। ओके जी, हम आए हैं दराज समिट, दराज ई कॉम समिट पे हॉल नंबर 4। अंदर आ गए हैं। देखिए हमें कौन मिला। ये वो माया नाज हंसती हैं जो अपना फेस नहीं दिखाती, बट हमने देख लिया इनको पर्सनली। कराची के इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं बहुत सारे, इनका नाम एमन है और सब बहुत प्यारे हैं, कराची के लोग प्यारे होते हैं। खास मुझे लेकर आए वाला गेम खेलने के लिए, अभी इवेंट स्टार्ट होने में टाइम है। लेकिन आपको देनी है, हमें बहुत खुशी हुई। हाँ तो मैं इसी सही थी, मुझे पता नहीं कैसे लगा आपको कराची। कराची के लोग भाई पता है आपको दिल वाले होते हैं और हमें इस्लामाबाद के लोग बहुत पसंद है। मुझे हम लोग आते हैं अंदर और नाश्ता भी आ रही है पीछे, इसको चलते हैं। आपका फेवरेट दोस्त, आपका फेवरेट होस्ट। एंड दीस आर द फोर मेन पैरेलिटी क्या है लेकिन ऑफ सेकंड्स because today I am very happy to be taking you through our creator lab playbook. I know that in the audience today there's a lot of you who are provide creators as well as viewers. अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल नंबर 2 में, वो लोग बोल रहे हैं अभी आप बाहर नहीं जाएं, अभी कोई मीडिया कवरेज वगैरह कुछ है तो वहाँ चले जाएं। सो हम हाईटी छोड़ के मीडिया कवरेज लेने आ गए। अभी हम लोग आए हैं हाईटी के लिए, मैं उठ के नहीं गई लेने के लिए, वकास गए थे लेने के लिए। ये सारे अक्सा ले रही है, निशु मरियम सारे ले रहे हैं। सो हम यहाँ पे बैठ के खाने खाना, मुझे तो भूख लगी, मैं खाने लगी हूँ। हम सारे इकट्ठे बैठे हैं, निशु राशिदा अक्सा। अक्सा ने बताया आज कौन सा बल्ब लगाया फेस पे, अवार्ड की खुशी है, अवार्ड का ग्लो है, देखिए मैच कर रहा है ना। ओह माय गॉड, ये इतना भारी होगा, कितने किलो होगा बताना जरा। शुभ कह रहा मुझे नहीं मिला, आपको उठा के फिरना था। नहीं दो से ज़्यादा है, कितना है अरुषा भी है। मैं बिल्कुल ठीक गाइस, शी इज़ सो लवली और मैं बहुत देर से इनको ढूंढ रही थी, अब जाके मुझे सामने मिली है। आवाज़ देती है आप मुझे ज़ोर से, आवाज़ आती है मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो क्या हुआ, खैर आप। ओके जी, सो ये एग्जिट है। खत्म हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर नहीं जा रहे, होटल जा रहे हैं, वहाँ जाके मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सो माशाल्लाह से जी,
अभी हमने चाय बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे। ये रही, क्योंकि ना ट्रेवल करी, इवेंट्स आके ना थक तो रूट गए। और देखिए मेकअप कैसे फैला हुआ है। मैंने यहाँ पे राशिदा को भी तैयार किया था, लाइनर लगाया था उसको, थोड़ा सा हाई लाइटर बेस ठीक की थी। घास मैंगो खा रहे हैं, घास मैंगो खा रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाने लगी थी ये जगह, हमारा मिनी बार, इतना मज़ा आ रहा है। सही हाई प्रोटोकॉल मंगास कह रहे थे, अगर इस इवेंट में मुझे समझ में आया कि इवेंट में जाना चाहिए, फिर आइंदा मैं तुम्हें जाने दूंगा। सो मुझे पता आप जाने देंगे, इनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, इवेंट में उनको बोलूंगी और कुछ रखो ना रखो मेरे शोहर के लिए कमरे में सामान भर दो। हाँ जी, मज़ा आया ना मंगास, ऐसा आपको सच बताना। होटल, ड्राइवर, गाड़ी, मज़ा आया है ना। और एयरप्लेन के साथ आपका अच्छा था, वो पी आई ए नहीं था जो आपकी डिमांड थी कि पी आई ए में नहीं जाना। नहीं, मैं जन्नत में सीधा टिकट, जन्नत में जाना चाहता हूँ, डायरेक्ट टिकट नहीं चाहिए। ठीक है, सोना वकास फोन पे बात कर रहे थे, यहीं पर ही हमारा कोई रूम है। अब मुझे पता नहीं कि इनमें से मेरा रूम कौन सा, वकास पर्दा हटा के देखेंगे तो वकास को मैं नजर आऊंगी। मुझे लग रहा है ये वाला रूम है हमारा, इन्हीं में से कोई रूम है हमारा ना, हमारा रूम का व्यू आता है ये वाला। और ये बहुत ही प्यारा सा पूल बना हुआ है हमारी का, सिटिंग है यहाँ पे, चांद है वो देखें ऊपर। क्या हो गया, हम सब पूल के पास बैठे हुए तो ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था, मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया। ये फ्लाइट है ना, आज मंडे है, बच्चों को स्कूल भेजा, अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, मैंने कहा ये मेन चैनल पे लगाते हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट इवेंट था, मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा ये हमेशा। और जिस दिन हम गए थे ना उसी दिन ना भाई लोगों ने जो है वो बुकिंग कराई हुई थी ग्रैंड पोर्ट पर भी, और इसके अलावा दो दरिया पे थी नेक्स्ट डे। लेकिन हम इवेंट से इतना लेट फ्री हुए थे, उसके बाद जल्द से जुलूस स्टार्ट हो गए थे रबी लवल के, और फिर ड्राइवर ने चेक किया था तो रूट सारे बंद थे एक्सपो से दो दरिया जाने के। फिर सुबह के टाइम हमने हॉक्स पे जाना था, उसके लिए भी जो है हम उठे भी थे 6 बजे, पर इतनी थकावट थी ना यार उसकी ना इवेंट की, पैरों की जो उंगलियाँ ना उसमें जख्म बन गए थे कि मोबाइल ने साथ नहीं दिया मेरा। उसका रीज़न ये था कि जब मैंने मोबाइल का चार्जर जो था ना वो हैंड के लिए मैंने नहीं रखा, तो जिस पर मैंने चार्जर रखा था ना उसके ऊपर वाले पोर्शन में ना लेंस की डब्बी रखी हुई थी, तो वो लेंस से पानी निकला वो मेरे चार्जर में गया, और जैसे मैंने चार्जर जाके होटल में कनेक्ट किया तो वो डिज करके फट गया। और फिर मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ कहाँ से मिलेगा, और मैंने स्टोरी भी बहुत लेट लगाई, मुझे किसी ने बताया पांडा मार्ट से मिल जाएगा, और पांडा मार्ट से जो चार्जर आया वो मेरे लगता ही नहीं था आईफोन को, क्योंकि आई थिंक आईफोन को ना ओरिजिनल ही चार्जर लगता है, 14 प्रो मैक्स था मेरा, तो अभी भी मेरे पास चार्जर नहीं है। मैंने वकास की गाड़ी में जो चार्जर है उससे मैंने मोबाइल चार्ज करके ये व्लॉग एडिट किया है, सो बहुत सारे क्लिप जो है वो इससे रह गए। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया यूट्यूबर से मिलके, सबसे निशु, अक्सा, राशिदा बहुत अच्छे हैं। राशिदा को मैंने रेडी भी किया था, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, वो बहुत प्यारी है बहुत ज़्यादा। निशु से मैं ऑलरेडी पहले मिल चुकी हूँ तो मुझे उसका पता था, वो बहुत प्यारी है। अक्सा से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, राशिदा से फ़र्स्ट टाइम मिली थी, और अरुषा से भी, बाकी और भी लोगों से मिले थे। सो जुनेजो से मिली थी मैं, तो जुनेजो तो आप सबको पता है बेस्ट है। हमजा भट्टी से भी मिले थे हम, विल्देन भाई इब्रार भी आया हुआ था उससे भी मिले थे, बट मोबाइल डेड था, मैं उन सबके क्लिप नहीं बना सकी। सो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप का व्लॉग या इवेंट या जो भी बोल लिया, मेरा फर्स्ट इवेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दराज ने बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव उठाया है कि उसने सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया, सो बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग आ रहे हैं लाहौर 7 अक्टूबर को, सो लाहौर वाले नाराज़ हो रहे थे तो वो लोग नाराज ना हो, लाहौर में भी मीटअप है तो वहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह। और दराज का भी शुक्रिया कि दराज ने इतना प्रोटोकॉल दिया, इवन मैंने और राशिदा ने लास्ट मंथ ही जो है वो दराज ज्वाइन किया, बट फिर भी दराज ने हमारा इम्पेक्ट देखा, हमें इवेंट पे बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है, हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।